press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो देवियों और सजनों, चाचा और चाचियों, अंकल और अंटियों, ताऊ और ताइयों, सबको मेरा नमस्कार। इस बार हम कुछ नई चीज लेके आए हैं जिसमें आपको दिखाएंगे हम गाना। तो मेरे साथ अभी विजय देशवाल, कृष्णकांत सिंह और मैं अभिषेक सैनी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कोक स्टूडियो कौन से वीडियो है? सेकंड वीडियो कोक स्टूडियो पहला किया था ना हमने, वो नेशनल एंथम के ऊपर, वो पहला था हमारा और ये दूसरा है। क्योंकि मैंने ये सॉन्ग इसलिए चूज किया है क्योंकि नसीबो लाल है, ये मेरी मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि सिंगर में फेवरेट है, क्योंकि इनके मैंने दो तीन हिंदी सॉन्ग सुने थे जो कि इनकी जो साउंड है बहुत जो है ना बहुत लाउड है और बहुत हार्ड है, तो तुम लोग को मालूम चली जाएगा थोड़ी देर में मालूम चली जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो तो हमें ज्यादा पसंद आया था, तो हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। चलो कोक स्टूडियो सीजन 9। मेरी आधी जिंदगी हेडफोन सुधारने में चली जाएगी यार, जल्दी मैम। फील करो, एंजॉय करो, तुम्हारे गांव का सॉन्ग लगे सारा है। ये राजस्थानी लैंग्वेज में सुनाइए सॉन्ग पहले, थोड़ा सा ऐसा लगा है पहले, कुछ कुछ होता है ना। ठंडी थोड़ी रेत रहे थारे बिना सुनो लगे बाजरिया लो खेत रहे। समझ आ रहा सब? बाजरिया लो खेत समझ आएगा भाई। आवे ना निंदिया पिया बिना रे मारो, मैंने तेरे से गा पिया
कुकड़ी क्या होता है? कुकड़ी का तो मुझे भी नहीं पता। नसीबों के साउंड को देखो, राजस्थानी और पंजाबी का मिक्सचर था, मजा आ गया, जोरदार था। उमेर जयसवाल जो था वो पंजाबी सॉन्ग वो कर रहे थे, नसीबो राजस्थानी। तुम लोगों को तो पूरा क्लियर समझ आया होगा ना? मोस्टली कुछ कुछ एक दो शब्द थे जो हमें भी नहीं पता, थोड़ा टिपिकल वर्ड यूज कर रहे थे जो हमें भी ठीक से नहीं आते। कुकड़ी कुकड़ी वाला तो मेरे को समझ नहीं आया। कुकड़ी कुकड़ी का मतलब मेरे को थोड़ा एप्रो गलत भी हो सकता है इसलिए बताऊं। क्या क्या कुकड़ी मतलब शायद किसे मटका लेके जाते, मटकी को शायद कुकड़ी बोलते हैं शायद, है पता नहीं, मटके सब पता नहीं, थोड़ा गलत हो। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं लोगों को, है ना। तो ये नसीबो की आवाज कैसे लगी पहले ये बताओ। जोरदार मतलब बंदा एकदम दिल से गाता है, नसीबो लाल दी है, नसीबो लाल जयसवाल वाला है, जो भी है दोनों दिल से ही गा रहे थे तो इसका तो लो चाहे सब पसंद आ जाता है जो भी मिले भाई सिंगर सब पसंद। कॉक स्टूडियो वाले बहुत पसंद है ना तेरे को? कॉक स्टूडियो वाले सही में यार, फैन है बंदा उसका। ये किसने सजेस्ट किया इसको? स्पेशल थैंक्स। और ये जो पीछे बैकग्राउंड जो सॉन्ग आते हैं ना यार, वो तो बहुत मजा आता है। मैं रोदन का स्टूडियो भाई बहुत जोरदार लगा, स्टूडियो देखे ना, इंस्ट्रूमेंट भी अजीब, वो देखा वो बजा रहा था। नहीं एक्चुअल में ये होता है, ये सारी चीजें जो सॉन्ग बनते हैं ना ओरिजिनल वो सब में यूज होते हैं, लेकिन जब कभी स्टेज शो वगैरह होते हैं ना तो ये उसमें यूज नहीं करते। लेकिन कॉक स्टूडियो ही ऐसा है जो कि हर एक इंस्ट्रूमेंटल को यूज करता है, और अपने को भी देखने को पता चलता है ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो लगा भाई चार इंस्ट्रूमेंट है तो बजाने वाला गिटार विटार होता होगा, तो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े। वो अकेला पूरे मैनेज करता है, बंदा सिंगर है लेकिन फिजिक जोरदार है भाई, बॉडी बॉडी सही है उसकी, मॉडल मॉडल लग रहा था। और जो नसीबो है उसकी जो साउंड क्वालिटी थी ना, मतलब ऐसी है कि बहुत हाई नहीं जाती बीट, कानों में ऐसे चुभेगी, हाई भी जाते तो हाई जाएगी आवाज है, मजा आता है, बिगड़ता नहीं है पूरा, ऊपर जाएगा ना वैसी नीचे भी आएगा, मतलब कहीं भी आवाज फटेगी नहीं, ऐसा लगता नहीं कुछ चेंज हुआ है, फ्लो में जाएगा फ्लो में आएगा, तो वही कड़कपन है आवाज में। और अभी कुछ मैं अगर आप लोग की इजाजत होगी, अगर आप चाहेंगे तो जरूर मैं इनकी हिंदी सॉन्ग में वो सुनाना चाहूंगा इन लोग को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए हमको फटाफट डिमांड करते हो करो कमेंट में जाके। और फिर से हाजिर होंगे हम लोग आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। Stop.